हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल उड़ाकू पर। तो आज मैं 7 स्पोर्ट्स एनिमे लेके आया हूँ जो शायद तुमने नहीं देखे होंगे। और इस लिस्ट में फेमस स्पोर्ट्स एनिमे जैसे कि हाइक्यू, कुरुकोस बास्केटबॉल या हाजिमो नो इप्पो जैसे एनिमे जिन्हें मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एनिमे फैंस जानते हैं वो नहीं है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो पहले नंबर पर है वन आउट्स। इस लिस्ट का मेरा सबसे फेवरेट एनिमे है वन आउट्स। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है तोवा तोकिची। ये डिफाइन करना मुश्किल है कि वो एक प्रोफेशनल एथलीट है या कोई गैम्बलर, क्योंकि उसे हर चीज पे गैम्बल करना बहुत पसंद है। और जब उसे एक अनसक्सेसफुल टीम लाइसियंस को लीड करने का मौका मिलता है तो वो एक बहुत ही रिस्की और वियर्ड प्रपोजल रखता है। वो एक वन आउट कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट करता है। वन आउट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भी तोवा किसी को आउट करेगा उसे 5 मिलियन येन मिलेंगे। अरे वाह, इसमें क्या वियर्ड और रिस्की है। इसमें ये रिस्क है कि वो जब जब एक भी रन देगा वो 50 मिलियन येन लॉस में चला जाएगा। क्यों? एक्साइटमेंट आया ना? अगर तुम ऐसा एनिमे ढूंढ रहे हो जिसमें मेन कैरेक्टर स्मार्ट, शार्प और बैडएस हो तो ये एनिमे बहुत इजीली उस ब्रैकेट में फिट बैठता है। और अगर तुम बेसबॉल के फैन नहीं हो तो ये एनिमे देखने के बाद बेसबॉल नहीं तो तोवा के फैन तो जरूर हो जाओगे। नेक्स्ट एनिमे पे जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। 90% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर वो वीडियो देखते हैं। भाई कुछ तो शर्म कर लो। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे यार। कर दो यार, दबा दो लाल बटन। दो नंबर पर है मेजर। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है गोरो होंडा, जो कि सिर्फ 4 साल का है, जिसे बेसबॉल बहुत पसंद है क्योंकि उसके फादर एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर हैं। फिर 154 एपिसोड्स, 3 OVAs और एक लंबी मूवी के बाद गोरो एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बन गया है। ये कैसे हुआ? ये पूरा एनिमे एक कमाल की स्टोरी है गोरो की पूरी लाइफ की, जो तुम्हें एक अमेजिंग जर्नी पे ले जाएगी। वो कितनी मुश्किलें और चैलेंजेस फेस करता है एक सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर बनने के लिए, सब इस एनिमे में बड़े कमाल के तरीके से दिखाया गया है। इस एनिमे में ड्रामा है, कॉमेडी है और कमाल का कैरेक्टर डेवलपमेंट है। और हाँ, थोड़ा बहुत रोमांस भी है। ये एनिमे और ओवरड्राइव दोनों भी वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक एनिमे है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। 3 नंबर पर है स्केट द इन्फिनिटी। इस एनिमे के 2 मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, एक है रेकी और एक है लांगा। लांगा हाफ कैनेडियन और हाफ जापानीज है, जिसे स्केटबोर्डिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी तरफ रेकी बहुत पैशनेट है स्केटबोर्डिंग को लेके, तो हर रात रेकी एक एस नाम के इलीगल अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन में जाता है स्केटबोर्ड रेसिंग में कम्पीट करने के लिए। ये रेस कोई नॉर्मल स्केटबोर्ड रेस नहीं है, इसमें जान जाने का खतरा होता है। पर एक दिन एक रेस हारने के बाद उसका स्केटबोर्ड और हाथ दोनों टूट जाता है और अब वो और स्केटबोर्डिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पर फिर रेकी एक दिन कुछ काम करते समय उसके नए क्लासमेट लांगा से मिलता है, जिसे पैसों की सख्त जरूरत है। तो रेकी लांगा को इंट्रोड्यूस करता है अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन एस से, और जल्दी ही वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और कई सारे मिडनाइट स्केटबोर्डिंग एडवेंचर्स पे जाते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग एनिमे है, तो अगर तुम्हारी इच्छा करे तो तुम देख सकते हो। 4 नंबर पर है स्लैम डंक। तो ये एनिमे एयर होना स्टार्ट हुआ था 1993 में और एयर हुआ था टिल 1996। ये एनिमे थोड़ा ओल्ड है, बट यू नो व्हाट पीपल से, ओल्ड इस गोल्ड। ये एनिमे उसे परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है हानामिची साकुरागी, जिसे मिडिल स्कूल में ही अराउंड 50 से ज्यादा लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। रीजन, क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा है कि सारी लड़कियां उसे देख के डर जाती हैं। और प्लस वो बहुत गुस्सेल है। पर फिर शोहोकू हाई स्कूल में हिनामिची को हारुको मिलती है, जिससे उसे तुरंत प्यार हो जाता है। क्योंकि जहां दूसरी लड़कियां उसे देख कर डर जाती थी, वहां हारुको ने हिनामिची का नाम बास्केटबॉल कोच को रेकमेंड किया। और यहां से शुरू होती है स्लैम डंक की स्टोरी। इस एनिमे में तुमको सब कुछ देखने को मिलेगा, एक्शन, कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांटिक टेंशन, मैनली मोमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें। इस एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सबको शाइन करने का मौका भी मिलता है। ये एनिमे तुमको जीटीओ की याद दिला देगा, अगर तुमने जीटीओ देखा होगा तो। और मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर तुम बास्केटबॉल के फैन नहीं भी हो तो भी एक बार जरूर ट्राई करना भाई इसको। 5वें नंबर पर है ओवरड्राइव। इस एनिमे का एनिमेशन बहुत सिंपल और रियलिस्टिक है। ये स्टोरी है एक अंडरडॉग की नेम्ड शिनोजाकी मिकोटो। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो एक साइकिलिंग क्लब ज्वाइन करता है उसके इंटरेस्ट और उसकी क्रश फुकुजावा के कहने पर। अब साइक्लिस्ट क्लब का मेंबर बनने के बाद वो बहुत प्रैक्टिस करता है क्लब के दूसरे मेंबर्स के साथ, ताकि वो द बेस्ट साइक्लिस्ट बन सके पूरे जापान में। साइक्लिंग एनिमे सुन के तुमको काफी बोरिंग लग रहा होगा, पर ये एनिमे साइक्लिंग को काफी एपिक तरीके से पोर्ट्रे करता है और प्रूव करता है कि साइकिलिंग एक सिंपल स्पोर्ट से कुछ ज्यादा है। ये एनिमे 10-11 एपिसोड तक थोड़ा स्लो है, पर उसके बाद जब द बिगेस्ट साइकिलिंग टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड टूर डे फ्रांस चालू होता है, ये एक बहुत ही स्वीट, एक्साइटिंग, कभी कभी फनी और हाईली एंजॉयबल एनिमे बन जाता है। और अगर तुमने ये एनिमे देखा है तो कॉमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा, और अगर नहीं देखा है तो वीडियो खत्म होने के बाद जाके देख लेना। 6 नंबर पर है द प्रिंस ऑफ टेनिस। इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है रियोमा इचिजेन, जो कि अमेरिका से ट्रांसफर होकर टोक्यो आता है एज अ स्टूडेंट। ये एनिमे उसी की इंस्पायरिंग लाइफ को फॉलो करता है, जिसका गोल है टू बिकम द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड। टोक्यो में आने के बाद वो एडमिशन लेता है शेसुन अकेडमी में, जो कि फेमस है उनके स्ट्रांग टेनिस क्लब और प्लेयर्स के लिए। रियोमा स्कूल में जाते ही इजिली खुद के लिए एक स्पॉट बना लेता है और टीम में एक रेगुलर प्लेयर बन जाता है। थ्रू आउट द सीरीज तुम देखोगे कि वो कैसे अपने खेलने के तरीके को डेवलप करता है और इवॉल्व होता है एज अ प्लेयर।
उसका और उसकी टीम का एम है नेशनल मिडिल स्कूल टेनिस चैंपियनशिप को जीतना, तो क्या वो और उसकी टीम ये कर पाएंगे? इस एनिमे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत इंस्पिरेशनल भी है, तो अगर तुमको जेन्युइनली स्पोर्ट्स जॉनरा में इंटरेस्ट है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना। 7 नंबर पर है एयर गियर। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है इत्सुकी मिनामी। वो बहुत शरारती लड़का है जिसे स्ट्रीट फाइट्स करना बहुत पसंद है। वो लीडर होता है एक जूनियर हाई स्कूल गैंग का जिसमें उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं काजू और ओनिगिरी। तो इस एनिमे में कौन सा स्पोर्ट्स है? इस एनिमे में कैरेक्टर्स के पास AK एयर ट्रैक्स होते हैं जो कि मोटराइज रोलर ब्लेड्स होते हैं। तो एक दिन इत्सुकी कुछ दूसरे गैंग के मेंबर्स के साथ पंगे ले लेता है जिसमें सामने वाली गैंग इत्सुकी गैंग को बुरी तरीके से पीट देती है। तो इत्सुकी डिसाइड करता है कि वो रेवेंज लेगा और तभी उसे एयर ट्रैक्स मिलते हैं अपने अडॉप्टेड सिस्टर्स के जरिए और एक बहुत बड़े राज का खुलासा भी होता है। उसके बाद इकी ट्राई करता है एयर ट्रैक्स को सीखने का और अपनी गैंग को बड़ा करने का और अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का ताकि वो अपनी रैंक को बढ़ा सके और दूसरे स्ट्रांग राइडर्स को चैलेंज कर सके। यह एनिमे थोड़ा तुम्हें पोकेमोन की याद दिला देगा, तो अगर तुम्हें वो एक्सपीरियंस फिर से वापस लेना है तो ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ खत्म होता है हमारा लिस्ट। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लीव अ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। मृदुल गौतम भाई सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।